हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्विंग ट्रेड। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ पांच स्टॉक के बारे में। ये पांच स्टॉक में काफ़ी सारा फ्रेंड्स का ये सवाल था कि हम लोग स्टॉक मार्केट में न्यूली एंटर किए हैं, तो हमें एक पोर्टफोलियो बनाना है जो कि हम लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो को लेके चल सकते हैं। जो कि हमारे पास में तो ऑलरेडी हम स्विंग ट्रेड के लिए पोर्टफोलियो बना रखे हैं, लेकिन हमें एक 50,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करना है। उसके लिए एक पोर्टफोलियो बना के दे दीजिए जो कि हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है फ्रेंड्स। तो ये वीडियो से हम ये जो स्टॉक सिलेक्शन किए हैं, ये सारे फंडामेंटल स्ट्रांग स्टॉक है, क्वालिटी स्टॉक्स है, और इनका ट्रैक रिकॉर्ड में बहुत बढ़िया सा रिटर्न दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया सा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और अच्छा सा रिटर्न भी दिया है ये स्टॉक ने। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप सबको मैं एक बार ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस चैनल पर अगर आप नया न्यू देख रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, अभी चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला स्टॉक के बारे में फ्रेंड्स बात करेंगे, हम बजाज फाइनेंस के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो स्टॉक है अभी एक बढ़िया सा अपॉर्चुनिटी पे अवेलेबल है। इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो अभी ये स्टॉक जो है 6,900 के पास में अवेलेबल है। इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 1 मंथ में स्टॉक में करेक्शन में है, 7.7% का करेक्शन 1 मंथ में भी शो हो रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम चार्ट पैटर्न देखेंगे ऑल टाइम का, ये स्टॉक ने बहुत बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न दिया है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर इसी हिसाब से अगर हम इस स्टॉक में एंट्री लेते हैं, देखिए 1,55,000% का रिटर्न दिया है फ्रेंड्स। बहुत बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक है। यहाँ पे इसका मार्केट कैप अगर हम देखेंगे 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि लार्ज कैप मतलब लार्ज कैप स्टॉक है और निफ्टी 50 का भी स्टॉक है। तो इसलिए हमारा इसमें ज़्यादा कुछ रिस्क नहीं है। तो लेकिन कितना इन्वेस्टमेंट करना है, क्या करना है, उसके लिए हम लास्ट में चार्ट पैटर्न में मैं आपको लेके शो करूंगा कितना क्वांटिटी लेना है और कैसे इन्वेस्टमेंट ये स्टॉक में करना है और कितना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन करके रखना है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पहला स्टॉक हमारा बजाज फाइनेंस के ऊपर बिल्कुल नज़र रहना चाहिए। तो इसमें कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे नेक्स्ट में एक्सेल शीट में आपको समझाऊंगा। तो दूसरा हम जो स्टॉक सिलेक्ट किए हैं फ्रेंड्स, वो भी स्टॉक कोई कमज़ोर नहीं है, वो भी बहुत बढ़िया कंपनी है जो कि मोनोपोली बिजनेस है, जो कि पिडिलाइट है। पिडिलाइट के बारे में भी हमने कल बात किया था फ्रेंड्स। ये भी एक स्टॉक जो है, ये भी अभी हम करेक्शन पे मिल रहा है। ये स्टॉक इतने ज़्यादा करेक्शन कभी होता नहीं है। अभी अगर 1 वीक का चार्ट पैटर्न देखेंगे, यहाँ पे -5% का रिटर्न है। अगर 1 मंथ का भी चार्ट पैटर्न देखेंगे, यहाँ पे -5% का रिटर्न है। अगर 1 ईयर का चार्ट पैटर्न देखेंगे, यहाँ पे 42% का रिटर्न है फ्रेंड्स। अगर 5 ईयर्स का रिटर्न भी हम चेक करेंगे तो यहाँ पे 244% का रिटर्न है। अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न हम चेक करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए 12,000% का रिटर्न दिया है फ्रेंड्स। बहुत बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक है। अगर मार्केट कैप की बात करेंगे, 1,12,000 करोड़ का मार्केट कैप है। एक बढ़िया लार्ज कैप स्टॉक है, मोनोपोली बिजनेस है। तो इनका आप सब प्रोडक्ट यूज करते हैं, क्विक फिक्स हुआ, फेविक्विक हुआ, यहाँ पे आदेशी बिजनेस में है जो कि फेविकल हुआ, ये सब मतलब मार्केट लीडर है। फेविकल मतलब हर कोई अपना घर में हम यूज करते हैं फेविकल, वही है पीडीलाइट कंपनी का ब्रांड है। तो इस कंपनी में अगर कोई मैक्सिमम चार्ट पैटर्न हम देखेंगे, 12,000% का रिटर्न दिया है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। वो जो नेक्स्ट स्टॉक जो है, तो आप सबको मालूम है जो कि हिंदुस्तान यूनिलीवर है फ्रेंड्स। पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए ये सारे स्टॉक लिया हुआ है, जो कि एक ही सेक्टर का नहीं है, सारे अलग अलग सेक्टर का हमने कंसिडर किया है। जैसे कि बजाज फाइनेंस हुआ, आपको फिनेंस का स्टॉक है। पिडिलाइट हुआ, आपका केमिकल एंड एडहेसिव सेक्टर का स्टॉक है, मोनोपोली बिजनेस है। थर्ड स्टॉक ये हुआ हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो कि FMCG का स्टॉक है। पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफिकेशन रहना हमारा बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। अगर हम देखते हैं अभी 2,317 रुपये का प्राइस पे मिल रहा है ये स्टॉक। अगर 1 वीक का रिटर्न हम चेक करेंगे तो यहाँ पे -2% का रिटर्न है। अगर 1 मंथ का भी चार्ट पैटर्न चेक करेंगे तो यहाँ पे -3% का रिटर्न है। 1 साल का अगर हम चार्ट पैटर्न चेक करेंगे तो यहाँ पे 8% का रिटर्न है 1 साल में। अगर 5 ईयर्स की चार्ट पैटर्न हम चेक करेंगे तो यहाँ पे 174% का रिटर्न है, इतना बड़ा करेक्शन के बावजूद भी फ्रेंड्स। अगर हम ऑल टाइम का चार्ट पैटर्न चेक करेंगे तो यहाँ पे 750% का रिटर्न दिया है फ्रेंड्स। एक बढ़िया स्टॉक है। अगर हम बात करेंगे ये इसका मार्केट कैप के बारे में, 5,47,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो अभी देखिए एनालिस्ट का भी यहाँ पे व्यू है, 81% एनालिस्ट बोल रहे हैं तो ये स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं। तो सबको मालूम है कि बहुत बढ़िया फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक है। यहाँ पे काफ़ी सारे स्विंग ट्रेड भी हम लोग करते हैं, ठीक है ना। अगर आपको पोर्टफोलियो में लेना है तो ये स्टॉक को भी आपको पोर्टफोलियो में लेके लॉन्ग टर्म में बहुत बढ़िया गेन आपको दे सकता है फ्रेंड्स। आपका पोर्टफोलियो बहुत सेफ रहेगा इसमें। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, जो कि इन्फो एज है, नौकरी.com के नाम पे आप जानते होंगे। अगर इसका
आज के प्राइस देखेंगे तो 5800 के पास में अभी ट्रेडेड हो रहा है। अगर हम एक हफ्ते का इसका रिटर्न देखेंगे, -3% रिटर्न है। अगर 1 मंथ का रिटर्न चेक करेंगे तो यहाँ पे -6% का रिटर्न है। 1 साल का अगर हम रिटर्न चेक करेंगे, 1 साल में 38% रिटर्न दिया है फ्रेंड्स। अगर 5 ईयर की चार्ट पैटर्न चेक करेंगे तो यहाँ पे 546% का रिटर्न है। 5 ईयर्स में आपका 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर चुका है आपके कैपिटल को। यहाँ पे देखेंगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में 3800% का रिटर्न है फ्रेंड्स। बहुत बढ़िया मल्टी बैगर स्टॉक है। इसका मार्केट कैप के बारे में अगर बात करेंगे तो 70,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि ये आपका नेक्स्ट निफ्टी नेक्स्ट 50 में आता है। तो मतलब निफ्टी 50 का स्टॉक तो आपका सिलेक्शन हो गया, जो कि बजाज फाइनेंस था और एक हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये नेक्स्ट 50 में आपका पिडिलाइट आ गया और यहाँ पे इन्फोएज भी आ गया, ठीक है। तो ये एक लार्ज कैप स्टॉक है, तो ये स्टॉक में हमारा भी इन्वेस्टमेंट रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि एक डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इनका पोर्टफोलियो पूरा डाइवर्सिफिकेशन है। आप देखेंगे तो यहाँ पे Naukri.com भी है, उसी के साथ में 99acres भी है। तो यहाँ पे काफ़ी सारा है उनका इन्वेस्टमेंट भी। यहाँ पे जोमाटो में भी इन्वेस्टमेंट है, पॉलिसी बाजार में भी इन्वेस्टमेंट है। बहुत पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन स्टॉक है। तो ये पोर्टफोलियो में, ये स्टॉक को भी अपना पोर्टफोलियो में अगर रखेंगे तो आने वाले दिनों में ये बहुत बढ़िया सा रिटर्न भी हमें दे सकता है फ्रेंड्स। अगर यहाँ पे हम जाके चेक करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक में जाएंगे, नेक्स्ट स्टॉक में जो जाएंगे फ्रेंड्स, बर्जर पेंट है फ्रेंड्स। ये भी एक बढ़िया सा स्टॉक है। ये भी एक मल्टी बैगर रिटर्न देने का बिल्कुल दम रखता है। अगर हम 1 वीक्स का रिटर्न देखेंगे, ये स्टॉक में -5% का नेगेटिव रिटर्न है। अगर हम 1 मंथ का भी रिटर्न चेक करेंगे, माइनस नेगेटिव में है, -1% रिटर्न है। यहाँ पे 1 साल का अगर हम चार्ट पैटर्न चेक करेंगे, 15% रिटर्न है, पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अगर 5 ईयर्स का भी चार्ट पैटर्न हम चेक करेंगे, यहाँ पे 228% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न चेक करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे 26,000% का रिटर्न दिया है फ्रेंड्स। बहुत बड़ा मल्टी बैगर स्टॉक है। ये भी बहुत बढ़िया सा वेल्थ क्रिएट करके दिया है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे एक लार्ज कैप स्टॉक है, 71,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो इसी हिसाब से ये नेक्स्ट 50 का स्टॉक, निफ्टी नेक्स्ट 50 का स्टॉक है। तो यहाँ पे ये स्टॉक में अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ पे भी एक बहुत बढ़िया सा इन्वेस्टमेंट में हमें रिटर्न मिल सकता है। रिटर्न तो मिलेगा, उसके साथ में डिविडेंड भी मिलेगा। एक डिविडेंड अगर देखेंगे तो ये सारे स्टॉक डिविडेंड भी देगा, ठीक है ना। यहाँ पे 0.38% का डिविडेंड भी आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करेंगे, आपको इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट रहेगा, उसके साथ में डिविडेंड भी आपको मिलेगा। हर एक साल आपको डिविडेंड मिलेगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर बढ़िया डिविडेंड भी देता है, 1.74% का डिविडेंड भी आपको मिलेगा। ग्रोथ को ग्रोथ मिलेगा और वहाँ पे डिविडेंड भी मिलेगा, ठीक है। तो डिविडेंड को भी आप री इन्वेस्टमेंट करके बहुत बढ़िया सा पोर्टफोलियो, मतलब बहुत आगे ग्रो कर सकते हैं पोर्टफोलियो को। चलिए अभी कितना इन्वेस्टमेंट रहना चाहिए स्टॉक में, उसके बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बजाज फाइनेंस को हमने सिलेक्ट किया है, जो अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 6,983 के पास में। वहाँ से हमने 2 स्टॉक लिया है, बजाज फाइनेंस में हमने 2 स्टॉक लिया। टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा हुआ 13,966 का इन्वेस्टमेंट हुआ। और बजाज फाइनेंस का अगर हम लास्ट 10 ईयर्स का CAGR चेक करेंगे तो यहाँ पे 60% CAGR रिटर्न दिया है फ्रेंड्स। यहाँ पे बजाज फाइनेंस में आके अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं, स्क्रीनर डॉटिंग में आगे, यहाँ पे बजाज फाइनेंस में आप अगर देखेंगे 10 ईयर्स में 60% का CAGR रिटर्न दिया है फ्रेंड्स। तो इस हिसाब से यहाँ पे एक बढ़िया सा रिटर्न आपको 60% का CAGR का हिसाब से मिला है। अगर हम नेक्स्ट पीडीलाइट में जाएंगे तो पीडीलाइट में भी देखिए, पीडीलाइट में आगे, पीडीलाइट में अगर हम CAGR चेक करेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में नीचे स्टॉक का CAGR आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि 30% का CAGR का रिटर्न दिया है पीडीलाइट ने। तो पीडीलाइट में भी 30% का CAGR रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे स्टॉक प्राइस चल रहा है 3229, 3229 के हिसाब से हमने 4 स्टॉक पिक किया। तो यहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट वैल्यू रहा 8916। तो इसी हिसाब से अगर हम हिंदुस्तान यूनिलीवर देखेंगे तो अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 2318। इसी हिसाब से हमने 4 स्टॉक को पिक किया, जो कि हिंदुस्तान यूनिलीवर को। तो यहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट वैल्यू रहा 9272। तो इस हिसाब से हिंदुस्तान यूनिलीवर में 10 साल में एक 19% का CAGR रिटर्न मिला है फ्रेंड्स। अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे आप टाइप करेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर में आके आप जब चेक करेंगे, यहाँ पे 19% का CAGR रिटर्न दिया है 10 ईयर्स में, इतना बड़ा गिरावट के बावजूद भी। तो यहाँ पे अभी हमने 19% कंसिडर किया। तो इसके बाद में इन्फोएज में जाएंगे, अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, क्लोजिंग प्राइस चल रहा है 5809 रुपीज़। तो इसी हिसाब से अगर हम जाएंगे, ये स्टॉक में से हमने 2 स्टॉक पिक किए, 2 शेयर पे पिक किए। तो यहाँ पे हमारा जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू रहा 11,618 हमारा इन्वेस्टमेंट वैल्यू रहा। तो यहाँ पे आपका जो CAGR चेक करेंगे आप, यहाँ पे 10 ईयर्स में
यहाँ पे देखिए 10 ईयर्स में एक अच्छा सीएजीआर रिटर्न दिया है स्टॉक ने, 33% का सीएजीआर रिटर्न दिया है। अगर आप यहाँ पे आके चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे 33% का सीएजीआर रिटर्न दिया है, तो यहाँ पे 33% का सीएजीआर रिटर्न लिया। उसके बाद में बर्जर पेंट में आएंगे, बर्जर पेंट में अभी क्लोजिंग प्राइस चल रहा है 752 का, तो इस हिसाब से यहाँ से 9 स्टॉक पिक किए, तो 9 स्टॉक का जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू रहा है यहाँ पे 6768। इस हिसाब से ये स्टॉक ने आपको 35% का सीएजीआर रिटर्न दिया, जो कि एवरेज में अगर हम चेक करेंगे बर्जर पेंट में 10 साल का जो रिटर्न हम चेक करेंगे, तो यहाँ पे 35% का सीएजीआर रिटर्न दिया है फ्रेंड्स। यहाँ पे हमने 35% कंसिडर किया, इसी हिसाब से हमने ये स्टॉक का 5 स्टॉक का एवरेज निकाल लिया फ्रेंड्स। एवरेज के हिसाब से 35% का सीएजीआर रिटर्न आता है, तो अगर हम 35% का सीएजीआर रिटर्न के हिसाब से हमारा जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू टोटल रहा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 50,540 का इन्वेस्टमेंट हमारा रहा। तो इस हिसाब से अगर हम चेक करते हैं, तो यहाँ पे एक बार हम जाएंगे, तो यहाँ पे जाके एक बार हम कैलकुलेटर ओपन करके चेक करते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स अभी कैलकुलेटर ओपन कर चुके हैं, तो इस हिसाब से अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे जाके चेक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो 35% का सीएजीआर रिटर्न मिला, और हमने जो इन्वेस्टमेंट किए हैं 50,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किए हैं। तो इस हिसाब से हम अभी कैलकुलेटर में आ जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे calculator.in को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम जाके चेक करते हैं, यहाँ पे टोटल एक बार लमसम इन्वेस्टमेंट किया हम 50,540 का, और 20 ईयर्स का हमने टाइम होराइजन रखा है, उसके हिसाब से अगर 35% का रिटर्न एनुअली हमें मिलता है, तो इस हिसाब से हमारा जो वेल्थ बनता है, हमारा इन्वेस्टमेंट वन टाइम हो गया 50,540, और इसी हिसाब से हमारा जो इंटरेस्ट बना है, यहाँ पे जो कैपिटल गेन हुआ है, यहाँ पे देखिए 2,03,00,000 81,000 का यहाँ पे ग्रोथ हुआ है। इस हिसाब से टोटल जो रिटर्न हमें मिला है यहाँ पे 2,04,31,000, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस हिसाब से एक 2 करोड़ और 4 लाख का हमारा कैपिटल बन सकता है अगर हम 20 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करके चलते हैं। तो इस हिसाब से हमें बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आपके पास में एज लिमिट है, अगर आप ईयरली एज स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अगर आपके पास में एज अभी 30 है, था अगर 20 ईयर का होराइजन लेके चलते हैं, तो आपका वेल्थ बढ़िया सा बन सकता है। 2 करोड़ रुपीज़ आपका इन्वेस्टमेंट जो रिटर्न आपको मिल सकता है ये सब स्टॉक में अगर इन्वेस्टमेंट करके चलेंगे तो। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि ये रिटर्न आपको 2 करोड़ मिलेगा, ऐसा हो सकता है आपको 3 करोड़ भी मिल सकता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है उससे थोड़ा कम भी मिले। लेकिन जो एजम्पशन है, जिस हिसाब से ट्रैक रिकॉर्ड का हिसाब से देखा जा रहा है, तो बढ़िया सा रिटर्न आपका वेल्थ बन सकता है। लेकिन अगर आप ईयरली स्टार्ट करते हैं, अगर ये 50,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट अगर आप एज ऑफ 30-25 में स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जब आपका स्टार्ट हुआ, जब के साथ साथ अगर आप इन्वेस्टमेंट करके चलेंगे, उसके साथ में SIP भी जब गिरावट में मिलता है स्टॉक का बाई करके चलेंगे, आपका वेल्थ और बढ़िया सा बन सकता है। यहाँ पे एज हमने कंसिडर किया है 20 ईयर्स। अगर सपोज ये एज को हम अगर 30 ईयर्स कर देंगे, और सोचिए कितना बड़ा वेल्थ बन सकता है। चलिए अभी एज को हम यहाँ पे 20 की जगह में 30 कर देते हैं, तो 30 करके एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। सपोज जिनका एज 30 है, तो उनको 30 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, और रिटायरमेंट लेना है 60 पे, ठीक है। इसी हिसाब से अगर हम देखते हैं फ्रेंड्स, देख सकते हैं कितना बड़ा वेल्थ बन रहा है यहाँ पे, 41 करोड़, यहाँ पे 8 लाख, मतलब बहुत बड़ा वेल्थ बन सकता है आपका। अगर एज होराइजन हमने यहाँ पे जब 30 ईयर्स कर लिए, तो इस हिसाब से वही सेम आपका 50,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है। यही होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर कंपाउंडिंग का मैजिक है, तो यही चीज़ है। अगर हम एज होराइजन अगर हम उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करके चलते हैं, आगे आने वाले दिनों में बहुत बढ़िया सा वेल्थ बन सकता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो कंपाउंडिंग का फायदा यही होता है, लॉन्ग टर्म में अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बढ़िया सा वेल्थ बन सकता है फ्रेंड्स। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट में आप टाइम नहीं दे पाते हैं, अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ऐसा ही सारे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कीजिए। फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है ये, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बहुत बढ़िया सा वेल्थ बन सकता है। अगर 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं 50,000 का, आपको 41 करोड़ मिल सकता है। अगर आप 20 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर भी आपको 2 करोड़ रुपये इन्वेस्टमेंट का जो आपको यहाँ पे वेल्थ क्रिएशन हो सकता है फ्रेंड्स। लेकिन इसमें रिस्क भी है, क्योंकि इक्विटी मार्केट है, आपको भी पता है, तो उस हिसाब से। लेकिन मार्केट में तो बन ही जाएगा, क्योंकि अगर आप पेशेंस के साथ में मार्केट में बने रहेंगे, तो वेल्थ बनेगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। जिस हिसाब से हमारा इंडिया का इकोनॉमी ग्रोइंग इकोनॉमी है, अपना इकोनॉमी के ऊपर भरोसा होना चाहिए, तो उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करके चलिए, बढ़िया सा वेल्थ बन सकता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये अगर वीडियो आपको पसंद आया, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। ये वीडियो आपके जो भी शुभचिंतक है, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में है, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो इन्वेस्टमेंट करके बहुत बढ़िया सा वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं, ठीक है। स्टॉक मार्केट में जिस हिसाब से डर रहे हैं हर कोई,
ये सब स्टॉक में अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे, ऐसा अपॉर्चुनिटी का टाइम पे अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको लॉस नहीं होगा। जिस हिसाब से मार्केट करेक्शन चल रहा है अभी अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लॉस कहाँ से हो सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी इन्वेस्टमेंट करके अच्छा सा वेल्थ बना सकते हैं। लेकिन आप अगर फिर बोलेंगे कि हम स्विंग ट्रेड क्या करेंगे, फ्रेंड्स हमारा स्विंग ट्रेड एक अलग पोर्टफोलियो है, ये इन्वेस्टमेंट एक अलग पोर्टफोलियो है। जिनको स्विंग ट्रेड में इतना टाइम नहीं दे पाते हैं वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट ये स्टॉक में करके अच्छा सा वेल्थ बना सकते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए, अगर चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।